हेलो गाइस, मेरा नाम शुभम है। मैं पिछले 10-12 सालों से वॉशिंग मशीन यूज़ कर रहा हूँ। मैंने फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन भी यूज़ करी है आईवी की, और मैंने टॉप लोडिंग भी यूज़ करी है अभी वर्लपूल की, इससे पहले गोदरेज की। तो मैं आपको जल्दी से बता रहा हूँ फ्रंट लोडिंग और टॉप लोडिंग में क्या क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। उसके बाद आप खुद ही डिसाइड कर लेना कि आपको कौन सी लेनी है। तो पहले टॉप लोडिंग की बात कर लेते हैं। टॉप लोडिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहता है कि आपको ना ऐसे नीचे झुकना नहीं पड़ता है कपड़े निकालने के लिए या डालने के लिए। आप ऐसे आराम से ऊपर से खोल के डाल सकते हो और निकाल सकते हो। दूसरा फायदा ये रहता है टॉप लोडिंग का। हाँ, दूसरा फायदा ये रहता है कि ये ना जगह कम लेती है। जैसे अगर फ्रंट लोडिंग होती ना तो वो थोड़ी चौड़ी होती है, वो यहाँ तक आती है कम से कम, फिर निकलने की जगह नहीं बचती। तो अगर आपकी बालकनी छोटी है या बाथरूम छोटा है तो आप टॉप लोडिंग देख लो। और तीसरा फायदा ये है कि भी टॉप लोडिंग ना सस्ती आती है। टॉप लोडिंग 10,000 से शुरू हो जाती है और मतलब 20,000-25,000 तक जाती है, लेकिन 10,000 से शुरू हो जाती है 6 kg। तो ये बड़ी बात है। फ्रंट लोडिंग आपको 20-25 हज़ार से कम की तो मुश्किल ही मिलती है अच्छी। और फ्रंट लोडिंग का और टॉप लोडिंग में गाइस, आप पूछोगे वॉश क्वालिटी कैसी है, मतलब आपको कपड़े बढ़िया किस में धुलेंगे, तो मैं आपको बता दूं गाइस, फ्रंट लोडिंग में ही कपड़े ज़्यादा अच्छे धुलते हैं। कम से कम 30% या 40% बेटर वॉश क्वालिटी होती है फ्रंट लोडिंग की। और फ्रंट लोडिंग पानी भी कम लेती है टॉप लोडिंग के मुकाबले। तो अगर आपको यह है कि भाई नीचे झुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गीले कपड़े जब नीचे से ऐसे निकालने पड़ते हैं ना फ्रंट लोडिंग में, तो थोड़ा जोर पड़ता है, मतलब जिसकी कमर में दर्द हो वो फ्रंट लोडिंग थोड़ा अवॉइड कर सकता है। लेकिन फ्रंट लोडिंग भाई कपड़े वाकई में बढ़िया धुलते हैं। मेरे पास जो IFBB की घर पे दूसरे घर पे वॉशिंग मशीन है फ्रंट लोडिंग, उसकी वॉश क्वालिटी इससे काफ़ी बेटर है, अच्छे चमकते हैं। और उसमें ना एक बात ये भी है कि उसमें ना कपड़े ज़्यादा श्रिंक नहीं होते फ्रंट लोडिंग में। टॉप लोडिंग में कपड़े थोड़े श्रिंक हो जाते हैं, थोड़ा वियर टीयर भी होता है धीरे धीरे, मतलब एक साल में आप कपड़े में नोटिस करोगे। लेकिन फ्रंट लोडिंग में ना वो नहीं होता, क्योंकि फ्रंट लोडिंग में ना टंबल वॉश होती है, वो जेंटल वॉश होती है, उसमें ड्रम का मोशन ऐसा होता है कि दिक्कत नहीं होती। लेकिन टॉप लोडिंग में ना थोड़ा एजिटेटर वाला सिस्टम होता है, मतलब कपड़े दूर दूर थोड़ा स्ट्रेच हो जाते हैं। तो गाइज़, मैंने आपको ये सब बता दिया है। फ्रंट लोडिंग थोड़ी महंगी है, टॉप लोडिंग थोड़ी सस्ती है, टॉप लोडिंग जगह कम लेती है, फ्रंट लोडिंग जगह ज़्यादा लेती है, वॉश क्वालिटी फ्रंट लोडिंग में बेटर है, टॉप लोडिंग में थोड़ी कम अच्छी है। तो गाइज़, मैं आपको अपनी फेवरेट वॉशिंग मशीन के लिंक्स दे दूंगा कमेंट्स में और नीचे डिस्क्रिप्शन में। अब आप देखिए कि आपको फ्रंट लोडिंग ज़्यादा अच्छी लगती है या टॉप लोडिंग ज़्यादा अच्छी लगती है। ऐसी और जानकारी लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरी बाकी वीडियोज़ भी ज़रूर देखें, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।